हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ पिस्टल। हम इससे पहले स्टैमिन के बारे में पढ़ चुके हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पोलन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पिस्टल और मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मेगा स्पोर्स बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वो सब हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टल, जो हमारा गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और गाइनोशियम कंसिस्ट करता है पिस्टल। तो पिस्टल सिंगल भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो पिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और पिस्टल में फर्दर, पिस्टल जो होता है थ्री पार्ट्स में जो है डिवाइड होता है, और वो थ्री पार्ट्स क्या क्या होते हैं। स्टिग्मा जो कि अपर पार्ट होता है, जहाँ पे कि जो भी पोलन ग्रेन्स होंगे वो आकर के यहीं पे लैंड करते हैं। ये जो आपको ट्यूब लाइक पार्ट दिख रहा है, इसको कहा जाता है स्टाइल, स्टाइल। और ये जो आपको ओवल शेप में दिख रहा है, इसको कहते हैं ओवरी। तो बेसिकली थ्री पार्ट्स जो होते हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, थ्री पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, हमने जैसे पढ़ा था स्टैमिन, तो स्टैमिन में जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा पे आकर के ही लैंड करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये लैंडिंग पार्ट है किसका, जो आपका पिस्टल है, पिस्टल में लैंडिंग पार्ट है जहां पे पोलन आकर के लैंड करते हैं, क्लियर। ये आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा। और होता क्या है फिर उसके बाद, जैसे ही लैंड करते हैं यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन होना स्टार्ट, जर्मिनेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ ओवरी तक स्टाइल से होते हुए। तो बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कंस्टिट्यूट करता है पिस्टल को, क्लियर। अब देखिए जो पिस्टल होता है, पिस्टल में ये हमने पार्ट बताया आपको क्या क्या उसमें होते हैं। स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट है, स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड होंगे, और ये है आपकी ओवरी जो कि बेसल पार्ट है। बेस में क्या है आपका, ओवरी। तो इस पर एक तरह से हम इसे बेसल पार्ट भी कहते हैं, बेसल पार्ट, क्योंकि बेस में प्रेजेंट है, क्लियर। जो प्लेसेंटा होता है वो जो ओवेरियन कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट, तो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लेसेंटा एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा यहाँ पे सीड को, तो वहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक। और प्लेसेंटा से अराइज होता है मेगा स्पोरेंजिया, क्लियर। प्लेसेंटा से क्या प्रोड्यूस होता है, मेगा स्पोरेंजिया। अब मैं एक तरह से आपको ये थोड़ा डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम किसको बोल रहे हैं हम, मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं हम ओव्यूल को। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होगी। ओवेरियन कैविटी मतलब ओवरी की कैविटी, कैविटी बोलते हैं हम खाली स्पेस को। और प्लेसेंटा जो होता है वो उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, फाइन। क्या कहा मैंने, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवेरियन कैविटी, और इस कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, क्लियर। और प्लेसेंटा से अराइज होता है आपका ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर है सबको, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम ओव्यूल को समझेंगे कि कैसा होता है। एक तरह से पहले मैं आपको ये थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो कि ओव्यूल कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, क्लियर, ओवरी कहाँ पे होती है, ये सब मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ।
तो ये इस तरह से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपके ओव्यूल है, ओव्यूल ये वाले पार्ट ठीक है। और ओव्यूल जिससे अटैच्ड है, ये जो ये सर्कुलर में आपको दिख रहे हैं ये तो ओव्यूल है, लेकिन ओव्यूल जिससे अटैच्ड है ये, इन्हें कहते हैं फनिकल। फनिकल ठीक है। और ये जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है लोक्यूल। और ये जो बाहर आपको एक वॉल दिख रही है इसे हम कहते हैं ओवरी वॉल। तो प्लेसेंटा कहां पे होता है? ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेसेंटा है ये वाला रीजन, और प्लेसेंटा के अंदर क्या है? आपके ओव्यूल्स है ठीक है। क्लियर? आप अगर चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपने यहाँ पे ले लिया स्क्रीनशॉट जो भी आपको नीड थी यहां से। अब समझते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में या ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है। एंजियोस्पर्म बोले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स होगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, जो आपका ओव्यूल होगा वो प्रेजेंट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, यानी कि ओव्यूल के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में भी। तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे जो कि हम मैं आपके थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि ये आपकी ओवरी की वॉल है, यह आपका ओव्यूल है, यह आपका फनिकल होता है, यह आपका फनिकल होता है ठीक है। अब थोड़ा सा इसी को हम देखते हैं, थोड़े डिटेल वर्जन में देखते हैं इसका। तो देखिए ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये एक ओव्यूल का डायग्राम है ठीक है, जिसमें आपको जो है सबसे जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमारा फनिकल है। फनिकल ठीक है, ये जो स्टॉक जो प्लेसेंटा से, जैसे आपने देखा था प्लेसेंटा से एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है वो फनिकल है ठीक है। और फनिकल के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज होती है विद किसके साथ? फनिकल के साथ, जिस रीजन में, उसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहा मैंने कि जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूज होती है फनिकल के साथ जिस रीजन में, उसे हम कहते हैं हाइलम। तो ये वाला जो आपका रीजन है इसे कहा जाता है हाइलम ठीक है। फनिकल ओव्यूल के साथ क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है, तो दिस इज द रीजन हाइलम। अब हम थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे एक तरह की कवरिंग इसमें होती है जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट दो हिस्से बटा हुआ है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट क्या है? कवरिंग है, और ये वाली जो है इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो एक तरह से जो इंटेग्यूमेंट है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हम इसको बोल सकते हैं ठीक है। कवरिंग है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम करेगी, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। अब जो ये इंटेग्यूमेंट होता है ये एनसर्कल करता है पूरे ओव्यूल का, वो दिख रहा होगा ये जो ओव्यूल है इसको उसने लगभग पूरा सर्कल करके रखा हुआ है। कोई इधर से देखिए, सिर्फ कौन सी जगह को छोड़ करके? इस वाले रीजन को छोड़ करके, अपर वाले रीजन को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, फनिकल इधर होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा
इस वाले रीजन में माइक्रोपाइन, यहाँ माइक्रो माइक्रोपाइन, ये हम इसको माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं, इस वाली जगह को माइक्रोपाइलर एंड भी हम इसको कहते हैं। और इसी के अपोजिट में जो होता है ये वाला रीजन, इसको कहते हैं चैलेंजर। माइक्रोपाइलर एंड एंड चैलेंजर एंड, ये माइक्रोपाइल और चैलेंजर भी बोलते हैं। तो अपोजिट टू माइक्रोपाइल ये होता है जो, ये होता है चैलेंजर, चैलेंजर पोल, ये चैलेंजर एंड हम इसको बोलते हैं। क्लियर? एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये हमने यहाँ पे देखा, हमने कहा कि जो ओव्यूल है वो एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसको फनिकल कहते हैं। तो ये हमें दिख रहा है ये फनिकल है, और जो फनिकल होता है वो जहाँ पे ओव्यूल से फ्यूज होता है वो कहलाता है हाइलम। ठीक, अब इंटेग्यूमेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो दो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक आउटर एक इनर। इंटेग्यूमेंट पूरे ओव्यूल को कवर करता है एक्सेप्ट अपर टॉप रीजन, जिसे कि हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में होता है चैलेंजर एंड या चैलेंजर पोल। क्लियर? एक बार देखिए इसे ध्यान से, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इंटेग्यूमेंट पढ़ा, इसी इंटेग्यूमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं म्यूसिलस। ये हम देख रहे हैं ये आउटर इंटेग्यूमेंट है वाला रीजन, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। अब इसी के अंदर मास ऑफ सेल्स होता है जिसे कहते हैं हम म्यूसिलस। म्यूसिलस, म्यूसिलस क्या है? मास ऑफ सेल। इंटेग्यूमेंट क्या था? प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, और फाइनली म्यूसिलस जो, अच्छा पहले म्यूसिलस का काम समझते हैं। म्यूसिलस मास ऑफ सेल होता है, ये जो म्यूसिलस होता है इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। जो म्यूसिलस होता है इसके पास अबंडेंट रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक इस म्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको मैंने ये रेड कलर में कलर्ड किया हुआ है, ये है फाइनली एम्ब्रियो सैक। तो ये पूरा आपका एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने देखा था ओव्यूल कहाँ मिल रहा था? ओवरी के अंदर मिलता है। ठीक है, ओव्यूल कहाँ मिलता है? ओव्यूल मिलता है ओवरी के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है। ठीक है, फिर प्लेसेंटा होता है, देन प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल। क्लियर? एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा था, वहां से हमने देखा था ये सारा चीज। ओव्यूल के बारे में मैंने आपको बताया कि ओव्यूल में क्या क्या होता है। ओव्यूल में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फनिकल होता है, जो कि ओव्यूल को पकड़ के एक तरह से रख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। और जहाँ पे ओव्यूल और फनिकल फ्यूज हो रहे हैं वो रीजन है हाइलम। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर है, दो लेयर, दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट पूरे ओव्यूल को अप्रॉक्स कवर करके रखता है एक्सेप्ट टॉप रीजन, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन या माइक्रोपाइलर एंड। और इसी के अपोजिट में होता है चैलेंजर पोल। हमेशा याद रखिए, माइक्रोपाइलर के अपोजिट में हमेशा चैलेंजर पोल होता है, चैलेंजर एंड होता है। अब जो न्यूसिलस है मास ऑफ सेल, ये प्रेजेंट होता है और इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है। ये आपको दिख रहा है बाहर इंटेग्यूमेंट है और इधर न्यूसिलस है, मास ऑफ सेल होता है, इसके पास अबंडेंट रिजर्व ऑफ फूड मटीरियल होता है, और फाइनली इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। क्लियर? अब एम्ब्रियो सैक जो होता है कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है फ्रॉम मेगा स्पोर। मियोसिस, सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन होता है जिसकी मदद से यहाँ पे मेगा स्पोर बनते हैं, और उससे फिर ये एम्ब्रियो सैक बनता है आपको।
अब मेगा स्पोर कैसे बनते हैं? तो देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हैं। मेगा स्पोर और जेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। जब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बन जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो इस तरह से मेगा स्पोर बनता है। फाइनली मेगा स्पोर से आपका क्या बनता है? जो एम्ब्रियो सैक है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। आई होप ये सबको क्लियर है जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज अब बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नियर आ रहे हैं, ऑब्वियसली मैं आपके लिए जो है वन शॉट वीडियोज भी चैप्टर वाइज लेकर के आऊँगी बहुत जल्द, उसके साथ मैं यहाँ पर आने वाली हूँ ताकि आप इजिली पढ़ सकें। साथ साथ मैं आपको माइंड मैप का भी सजेशन दूंगी, माइंड मैप आप बनाएं जब भी आप पढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़िए, और कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।